गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दसवीं कक्षा के हिंदी विषय में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का अगला पद्यांश अब हम कर रहे हैं। कोशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल्लु कालवंश निजकुल घालकु। तो इसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो क्रोध पूर्ण वार्तालाप चल रहा है, जिसमें लक्ष्मण परशुराम से बहुत ही कड़वे वचन बोलते हैं, तो परशुराम जी कहते हैं, कौशिक हे विश्वामित्र सुनो। ऋषि विश्वामित्र जो कि वहां पर उपस्थित हैं, तो उनसे कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो। कौशिक विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो। मंद येहु बालकु, यह बालक मंद बुद्धि है, यह बालक मंद बुद्धि है, मूर्ख है। कुटिल्लु कालवंश निज कुल घालकु, यह कुटिल काल मृत्यु के वश में हो चुका है। निज कुल और अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए घातक है। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है, ये हठी मृत्यु के वश में हो चुका है और अपने खानदान के लिए घातक है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु सूर्य वंश, वंशी ये सूर्य वंशी, राकेश चंद्रमा, चंद्रमा पर कलंक की भांति है। ये सूर्य वंशी चंद्रमा के कलंक जैसे, चंद्रमा पर धब्बे जो होते हैं, तो क्या कहता है, ये सूर्य वंशी चंद्रमा के पर कलंक की भांति है। निपट निपट पूर्ण रूप से निरंकुश, ये पूर्ण रूप से निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश न हो या जिसे कोई शंका न हो, ये पूर्ण रूप से निरंकुश है, अबुद्ध मूर्ख है और अशंका शंका रहित है, अर्थात शरम, जिसे कोई शरम भय न हो। ये तो क्या कहते हैं कि यह सूर्य वंशी चंद्रमा पर कलंक की कलंक है, ये पूर्ण रूप से निरंकुश है, मूर्ख है और शंका रहित है। काल कबलु होई क्षण माही, काल मृत्यु का, कबलु निवाला, मृत्यु का निवाला होई होने वाला है, क्षण माही कुछ क्षण में ही, यह कुछ क्षण में ही मृत्यु का निवाला, काल का निवाला बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कहो पुकारी मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ, खोरी मोहि नाही, इसमें मेरा कोई खोट नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। तुम हट कहो जो चहो उबारा, यदि तुम हट करते हो, तुम हट कहो यदि तुम हट करते हो, जो चहो उबारा, और इसे उबारना बचाना, उबारना बचाना और इसे बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बल रोषु हमारा, तो इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे यश के बारे में, मेरे बल, मेरी ताकत के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में बताओ। यदि आप हट करते हैं और इसे बचाना चाहते हैं, तो इसे मेरे यश, मेरी शक्ति और मेरे क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहेउ मुनि सुदसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनिवर सुदसु स्वभाव तुम्हारा, आपके स्वभाव के बारे में। तो यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी से जैसे बातें कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, लक्ष्मण फिर बीच में बोलते हैं, कहते हैं, हे मुनिवर आपके स्वभाव के बारे में, तुम ही अच्छत को बैरन पारा, तुम ही अच्छा, तुमसे अच्छा को वैरन पारा वर्णन और कौन कर सकता है। हे मुनिवर आपके स्वभाव के बारे में, आपसे अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, आप अपने मुंह से ही अपनी करनी, अपनी तारीफ कर रहे हो, अपने मुंह से ही आप अपनी तारीफ कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, और अनेक बार और अनेक प्रकार से अपनी तारीफ कर चुके हो, अनेक बार और अनेक प्रकार से आप अपनी तारीफ कर चुके हो। नहीं संतोषु, यदि इस पर भी आपको संतोष नहीं है, तो पुनी कछु कही, तो पुनी दोबारा कुछ कह लो, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो आप दोबारा और कुछ कह लो।
जने रिस रोकी, इस प्रकार रिस क्रोध को रोककर दुस्सह दुख सहु, दुख को सहन मत करो। इस प्रकार क्रोध को रोककर दुख को सहन मत करो। वीरवर्ती तुम धीर शोभा, तुम वीर हो और धीर धैर्य रखना ही तुम्हें शोभा देता है। आप वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, आपको धैर्य रखना शोभा देता है। गाली देत न पाहु शोभा, इस प्रकार गाली देना आपको शोभा नहीं देता, इस प्रकार गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करने करिए, कही न जबान ही आपू। लक्ष्मण जी यहाँ पर सूर जो वीर होते हैं, तो वीरों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि वीर तो वही होते हैं जो समर में युद्ध भूमि में करने कहीं जो करके दिखाते हैं। वीर वे होते हैं जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं। न कही न जबान ही आपू, अपनी जबान से अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँकते। वीर वे होते हैं जो युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता दिखाते हैं, अपनी जबान से अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद मान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। रन पाई, रन में रिपु शत्रु को पाकर, विद्मान पाकर युद्ध भूमि में शत्रु को विद्मान पाकर कायर लोग ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम की ये वार्तालाप चलती है, एक पद्यांश हो गया।